खेकड़ा गांव के फकरपुर गांव में बरसात के पानी ने खोली खेकड़ा जनप्रतिनिधि और विकास के दावों की पोल। गांव में तालाब का पानी सड़क पर आया, जिससे वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी कमरे तक आ गया। वहीं लोगों का कहना है कि विधायक व ग्राम प्रधान तथा अन्य जनप्रतिनिधियों को कहने पर भी जल निकासी का नहीं हुआ कोई समाधान, जनता रही परेशान। संवाददाता अंकित कुमार की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व में भी यही हालत रह चुकी है, लेकिन सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। कुर्सी का नशा इतना है कि पता ही नहीं चलता कि कार्यकाल पूरा हो गया है या नहीं। आपको बता दें, खेकड़ा के कई गांव ऐसे हैं जो विकास कार्य के लिए तरस रहे हैं। उधर बरसात का पानी तालाब से बाहर आ गया, जिसकी निकासी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। परेशानी झेलता है तो सिर्फ आम आदमी, यही नहीं प्रदेश में केंद्र में भाजपा का सत्ता में होने के बाद भी नहीं हो रहा कोई विकास कार्य है। अब देखना यह है कि क्या इसी तरह विकास कार्यों के लिए जनता तरसती रहेगी। उधर कुछ बड़े सवाल यही कि आखिर खेकड़ा की इस हालत का जिम्मेदार कौन, शासन व प्रशासन की नजर में कैसे वांछित है खेकड़ा के फकरपुर गांव की ये समस्या। आखिर क्या कर रहे जनता प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान विधायक योगेश धामा और ब्लॉक प्रमुख और एसडीएम खेकड़ा को इस विषय में सब जानकारी है, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान करने को तैयार नहीं। आखिर क्यों चुप्पी साधे हैं भाजपा के जनता प्रतिनिधि, बड़ा सवाल खेकड़ा की जनता की जद में।